आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। आइए तो चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हमने लिए हैं 1/2 kg आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। बेबी पोटैटोज लिए हैं, इन पोटैटोज को आप फॉक की मदद से इस तरह से होल बना लें ताकि इनमें मसाले अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। अब हम इन पोटैटोज को करेंगे फ्राई गोल्डन ब्राउन होने तक, डीप फ्राई करेंगे। कुछ लोग इनको शैलो फ्राई करते हैं, कुछ डीप फ्राई करते हैं, तो मैं इनको डीप फ्राई करूँगी क्योंकि ये कश्मीरी दम आलू है। अब हम गरम ऑयल में इनको 1/1 फ्राई करने के लिए रख देंगे। सबसे पहले हमने 1 कप लिया है दही का, इसको हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से, इसके लम्स ख़त्म कर लेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम रेगुलर लाल मिर्ची ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर लेंगे, 1/2 टी स्पून काली मिर्चें, 1 फुल चम्मच कुटा भुना धनिया, सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून इसमें सौंफ का पाउडर जाएगा, 2 बड़े चम्मच ये ड्राई फ्रूट पाउडर इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि मैं इसको क्रीमी और रिच लुक देना टेस्ट देना चाह रही हूँ। ये मैंने 4-5 काजू और 4-5 बादाम को पीस के इनका पाउडर बना लिया। 1/2 टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे अमचूर का पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक, 1 चम्मच भर के हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे क्योंकि ये कश्मीरी दम आलू हैं तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च एक कलर, खूबसूरत सा कलर आता है। इसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये इनको हमने गोल्डन अलट पलट के लो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन फ्राई कर लिया है। इनको अब मैं 2 बैचेस में फ्राई करूँगी और अब इनको मैं डिश निकाल रही हूँ। इसके बाद बाकी की रेसिपी शेयर करते हैं आप। अब हम उसी सेम पैन में हमने ऑयल निकाल लिया है, 2-2.5 टेबल स्पून रखने दिया है। अब हम इसमें 3 लौंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 हरी इलायची ऐड करेंगे। वैसे आप चाहें तो मसाले में हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने इस तरह इसमें अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे लो मीडियम फ्लेम पे और इसमें 1/2 टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसका 1 बॉयल आने तक वेट करेंगे। इस तरह से हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, कितने खूबसूरत गोल्डन फ्राई हुए हैं। इस पॉइंट पे आप इनको इनके ऊपर चाट मसाला डाल के भी खा सकते हैं। मैं अक्सर इस तरह ही करती हूँ, पकाते वक्त कुछ बॉयल आलूओं में चाट मसाला ऐड करके वो खाती हूँ। ये बहुत इस पॉइंट पे भी ये बहुत टेस्टी है। इस तरह से आपने इनको गोल्डन करके निकाल लेना है। अब पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें जो हमने ये दही की ग्रेवी ऐड की थी लो फ्लेम पे, इसको हम इसमें ऐड करके चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे ताकि हमारा दही ना फटे। ये देखें, अब इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें आराम से आलू ऐड कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हम आलूओं को धीमी आंच पे दम पे रख देंगे। कवर करके इनको धीमी आंच पे हम दम पे रख देंगे ताकि आलू मसालों के सारे फ्लेवर्स और जज्ब कर ले। इस पॉइंट पे अगर आपको नमक कम लग रहा हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए। लो ये देखिए, 10 मिनट के बाद
तरी ऊपर आ चुकी है। अब हमारे दम आलू डन हो चुके हैं। मैं इनमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी, इसीलिए अब मैं इनका फ्लेम ऑफ़ करती हूँ और फिर इनको मैं डिश आउट करती हूँ। दार हमारे दम आलू बनकर तैयार हैं। अब हम इनको थोड़ा सा हरे पत्ते, धनिया के हरे पत्ती से और थोड़ी सी हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर देंगे। ये बहुत ही लजीज और यमी है दम आलू। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान और रिच रेसिपी है और अथेंटिक कश्मीरी दम आलू की रेसिपी है। तो मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए। मुझे मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंस्टा पे मुझे शायस्ता C5 से फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।